जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, जिसका उद्देश्य घर घर में जो आजकल तंत्र विद्या हो रही है, भाई भाई के ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, देवरानी जेठानी के ऊपर करा रही है, सास बहू के ऊपर करा रही है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर करा रहा है, इस तंत्र विद्या को आप समझो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कैसे हो रही है। यह जागृत करने का काम देवराधा ट्रस्ट कर रहा है। अन्यथा अगर आप जागृत नहीं हुए तो आप ऐसे ही मर जाओगे। आप सोचो कि कोई बीमारी लग गई है और बीमारी में व्यक्ति मर गया, गोली दवाई नहीं लग रही है, इलाज सही नहीं हो रहा है, गोली दवाई ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट होते जा रहे हैं, धंधा धीरे धीरे चौपट हो जाता है, और जब बर्बाद हो जाते तब समझ में आता है कि तंत्र विद्या हो गई है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कुछ सिम्टम हम आपको बता रहे हैं, इससे ये समझने का प्रयास करो, कुछ संकेत बता रहे हैं जिससे समझने का प्रयास करो। और आज मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूं आपके पास में। मनुष्य जवान होता है। अब मैं सीधा उदाहरण पर ही चल रहा हूं कि मनुष्य जवान हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसे हम सफर साथी की आवश्यकता पड़ती है। परंतु आज के जमाने में कैरियर कमाना अत्यंत आवश्यक है, तब तो विवाह करोगे। पुराने जमाने जैसा हाल नहीं है कि साहब खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, आपने विवाह कर दिया, कुछ करें या ना करें आगे पीछे दुकान पे तो बैठ ही जाएगा, नहीं तो खेत तो है ही है, खेत से उपज उगाएगा। परंतु आज के जमाने में न तो खेत बचे, आप लोगों ने खेत बेच दिए, दुकानदारी है तो वो एक दुकानदारी एक भाई के हिस्से में आ जाती, दूसरा क्या करेगा। तो कैसे विवाह होगा फिर। लड़की है तो वो कहती साहब मैं कैरियर कॉन्शियस हूं, मैं कैरियर बनाऊंगी उसके बाद विवाह करूंगी। तो तब तक लड़का हो या लड़की हो, किसी न किसी के प्रेम प्यार के जाल में फंस जाते हैं। कई बार एक पक्षी प्यार हो जाता है तो गंदा वशीकरण हो जाता है। गंदा वशीकरण करवा दिया जाता है, खिलाई पिलाई के माध्यम से कर दिया जाता है, या फिर कपड़ों के माध्यम से कर दिया जाता है, बाल के माध्यम से कर दिया जाता है, आपके यूरिन से कर दिया जाता है। महिलाएं अपने मासिक धर्म के कपड़े का प्रयोग भी करती, उससे भी वशीकरण करती है। यही गंदा वशीकरण यही होता है। जो जानने वाली स्त्रियां होती है वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस जाती है और तांत्रिक के साथ गंदा कार्य करके गंदा वशीकरण करवा लेती है। और जब मनुष्य वशीभूत हो जाता है, तंत्र के वशीभूत हो जाता है, गंदा वशीभूत हो जाता है, तो उसे बदबू आने लग जाती है। अलग अलग प्रकार की बदबू आती है, कभी पेशाब की आती है, कभी लेटरिंग की आती है, कभी मांस जलने की आती है, कभी सड़े हुए मांस की बदबू आती है। यानी कि जितनी जगह हम व्यक्ति वो जाता है, अलग अलग चीजें उसे बताई जाती है। कोई कहता गंदा खिला दिया, अब क्या गंदा खिला दिया ये नहीं बताएंगे, बस कहेंगे गंदी खिला दी है। अरे गंदी खिला दी तो क्या है, स्पष्ट बात करो ना।
और क्या गंदा खिला दिया तो उसको निकाला नहीं जा सकता क्या? पन कहते हैं गंदा है, इस गंदे काम में हम हाथ नहीं डालेंगे, तू दूसरे को देख। ऐसा भी होता है। और जितने भी घोड़े के पास जाओ, जितने भी देव स्थान पे जाओ, जितने भी भगत लोगों के पास जाओ, जितने भी गुनिया लोगों के पास जाओ, ओझा लोगों के पास जाओ, भोपा लोगों के पास जाओ, सब जगह अलग अलग चीजें बताई जाती है। कोई गंगा स्नान का बोलता है, कोई हवन यज्ञ का बोलता है, कोई उतारे का बोलता है, कोई हाथ की सफाई वालों के यहां पहुंच जाते हैं, गंदे सपने आने लग जाते हैं, भोजन ज्यादा करने लगते हैं या कम भोजन करने लगते हैं, शरीर टूटने लगता है, नसों में दर्द होने लगता है, दिल की धड़कन हमेशा तेज रहती है, आंखों में नशा रहता है, सांस लेने में भी भारीपन लगता है, लगता है कि मैं सांस ले रहा हूं, चलने में भी भारीपन लगता है, मानसिक पागलपन हो जाता है, जैसे लगता है कि अब जिंदगी अंतिम सांस ले रही है। स्त्री यदि होती है तो उसको अलग अलग जगह दर्द होता है, कभी कमर दर्द हो गया, कभी पैरों में दर्द है, कभी तलवों में दर्द है, कभी पंजों में दर्द है, कभी सिर दर्द होता है तो कभी सीने में दर्द होता है। घर में भी आपस में भाई बहनों में माता पिता में नहीं पटती है, अशांति हो जाती है, झगड़ा विकराल रूप ले लेता है, जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है, कोई बोलता अघोरी विद्या कर दी है, कोई कहता ओघड़ी विद्या कर दी, कोई कहता शमशानी विद्या कर दी है, कोई कहता गंदी विद्या कर दी है, और हाथ की सफाई वालों के पास चले जाओ तो वो सब कहते कि हमने देख तेरे नाभि से बाल खींच के निकाल दिया। अरे जब चीर फाड़ा नहीं की, खून नहीं निकला, तो नाभि से बाल कैसे निकाल सकता है? नाभि से लोहे की कीले कैसे निकाल देगा? नाभि से हड्डी कैसे निकाल देगा? क्योंकि हड्डी तो आप निगल नहीं सकते, बाल निगल नहीं सकते, और लोहे की कीले नहीं निगल सकते, तो वो शरीर के अंदर पहुंच गई, जब एक्सरे कराते तो एक्सरे में कुछ नहीं निकलता है, परंतु किसी हाथ की सफाई वाले के पास, खिलाई पिलाई निकालवाने के पास चले जाते हैं तो वो आपको बालों का गुच्छा निकाल के दिखा देता है, सड़ी हुई दो चार कीले निकाल के दिखा देता है, कुछ हड्डी निकाल के दिखा देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि तेरे शरीर के अंदर वो तो घुल मिल गई है, खून में रच बस गई है, तो दिमाग खराब हो जाता है मनुष्य का, कि जितने व्यक्ति के पास जाओ अलग अलग चीजें बताते हैं। अरे यदि बीमारी हुई है तो एक ही बीमारी होगी कि मेरे को सिर दर्द क्यों हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पिंडलियों में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर भी तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाते हैं, परंतु तंत्रवाद विद्या में जो गुनिया लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, पंडा पुजारी होते हैं, भगत लोग होते हैं, इनके पास अधूरा ज्ञान होने की वजह से सब अलग 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 उत्तर देते हैं। कई बार तो यह भी होता है कि पुरुष की मर्दानगी समाप्त कर देते हैं, वो किसी स्त्री के साथ सोने लायक नहीं बचता है। और ऐसा भी होता है कि स्त्री के गर्भ को बांध दिया जाता है, वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं बचती है। और ऐसा भी कर दिया जाता है कि स्त्री को सहवास करने से नफरत होने लगती है, बर्बाद तो हो ही जाते हैं। और मनुष्य ऐसे ही कष्ट झेलते झेलते मर जाता है और कंगाल हो जाता है, दरिद्री हो जाता है, कई बार पैरों से आग निकलने लगती है, ना इतनी गर्माहट महसूस होती है जैसे पूरा पैर जल रहा हो, पंजा जल रहा हो। सपने में बड़े बुजुर्ग भी आने लग जाते हैं, कभी पेशाब की बदबू, तो कभी लेट्रिन की बदबू, तो कभी सड़ी नाली की बदबू, तो कभी सड़े मांस की बदबू, तो कभी मांस जलने की बदबू आती है।
कभी गांजे की खुशबू भी आती है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है। तो ये सिम्टम जो मैं बता रहा हूं, ये सब तंत्र के सिम्टम होते हैं। यदि किसी मनुष्य को जो मैं बोल रहा हूं ये लक्षण नजर आते हो अपनी जिंदगी में और उसका जीवन खराब हो जाता है, मन नहीं लगता हो काम काज में, पढ़ाई लिखाई में, दुकानदारी करने में, पैसे कमाने में, उसको अपनी जिंदगी नीरस लगती हो, तो समय निकाल करके लगातार अनवरत पूजा पाठ करने से, तंत्रात्मक हवन करने से, तीर्थ स्नान करने से, तंत्र के जो बड़े बड़े भारत में गढ़ हैं वहां पर जाकर के पूजा पाठ करके उस तंत्र को काटा जा सकता है। परंतु किसी मनुष्य के ऊपर जब इस प्रकार का गंदा तंत्र लग जाता है तो इसका अर्थ होता है पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल। पिछले जन्म में ऐसा मनुष्य कई मनुष्यों को तड़पा करके आया होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जल्लाद होगा वो, कई आत्माओं की हाय बद्दुआ उसको लगी हुई होती है, किसी निर्वंशी की जमीन को हड़पा हुआ हो सकता है, किसी के ऊपर परिवार के ऊपर इतना अत्याचार किया है कि उन लोगों ने सबने मिलकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ गया, तो वो सब आत्माएं इस जन्म में ऐसे मनुष्य के ऊपर लग जाती है। या फिर किसी गरीब व्यक्ति की संपत्ति को हड़पा हो, किसी गरीब व्यक्ति की बहन बेटी को जबरदस्ती अपना बनाया हो, बहनों का हिस्सा खा गए हो, भाइयों का हिस्सा खा गए हो, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया हो, बेवजह गांव के सदस्यों के ऊपर परेशान करने के लिए तंत्रात्मक प्रयोग किए हो, इस प्रकार से कई आत्माओं की हाय बद्दुआ लगती है पिछले जन्म के पाप कर्म के स्वरूप। तो ऐसे मनुष्य इस जीवन में तंत्र से ग्रसित रहते हैं और वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को जिनके जीवन में तंत्र की वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो गया हो या बर्बाद होते हुए देख रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं, जिन जिन व्यक्तियों के पास जाते हैं वह इलाज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को पिछले जन्म की जो आत्माएं साथ में हैं उनकी मुक्ति कराना चाहिए। कई बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण संकल्प लेकर के उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और कई बार नाग बलि, नारायण बलि और काक बलि की पूजा कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, मीठा भोजन कराना चाहिए, उनको तृप्त करना चाहिए, अन्न से, धन से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सोने का दान दिया जाता है, चांदी का दान दिया जाता है, गाय का दान दिया जाता है, शैया का दान दिया जाता है, गादी बिस्तर का दान दिया जाता है, पलंग का दान दिया जाता है, बर्तन भांडे का दान दिया जाता है, जूते चप्पल का दान दिया जाता है, छतरी का दान दिया जाता है और गायों को हरा चारा खिलाना पड़ता है, भूसी खिलाना पड़ती है, भरपेट भोजन कराना होता है, कुत्तों को भी, गायों को भी, मूक प्राणियों को भी, कबूतरों को भी, कौवों को भी, और 11 पीपल के पेड़ लगाना पड़ते हैं, भूमि का दान भी करना पड़ता है,
जल का दान करना पड़ता है, अन्न का दान करना पड़ता है, कांसे का दान करना पड़ता है, घी का दान करना पड़ता है, शहद का दान करना पड़ता है, तब जाकर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। आप सोचते हो तंत्र विद्या ऐसी कट जाती है, इसीलिए बहुत से तांत्रिक सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये चीज जानते ही नहीं है कि ये तंत्र लगा तो क्यों लगा, बस किसी ने बोल दिया कि किसी ने भेज दिया साहब हमारे ऊपर। एक से शत्रुता हो गई थी तो उसने प्रेत भेज दिया, किसी से शत्रुता हो गई तो उसने मसान भेज दिया। अरे आपकी ओरा इतनी खराब कैसे हो गई कि कोई प्रेत लग गया या शमशान लग गया, ओरा को रिपेयर करके क्यों नहीं रखा, क्यों आपने भगवान का नाम नहीं लिया, क्यों? कि पिछले जन्म के पापी मनुष्य थे। हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं होता है, तंत्र केवल उन्हीं पर होता है जो पिछले जन्म में पापी मनुष्य रहा है, और कई मनुष्यों की कई आत्माओं को तंत्र के माध्यम से दुख देकर के आया है। कई लोगों के जीवन को उजाड़ा हो, कई लोगों के घरों को उजाड़ा हो, तो उन सब की हाय बद्दुआ मिल जाती है। तो कोई मनुष्य माता पिता को तड़पा के आता है, कोई भाई को तड़पा के आता है, कोई भाभी को तड़पा के आता है, कोई स्त्री को तड़पा के आता है, कोई गरीब व्यक्ति को तड़पा करके आता है, तो कोई किसी के धंधे को बंद करवा करके आ जाता है, कोई किसी के भाग्य को खा जाता है, कोई तंत्र से किसी की हत्या करवा देता है, कोई तंत्र से बीमारी दे देता है, कोई तंत्र से कोख बांध देता है, कई तंत्र से बच्चे को मरवा देता है। तो ऐसे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, और ऐसे मनुष्यों के ऊपर ही ऐसी ला इलाज तांत्रिक क्रिया हो जाती है, और व्यक्ति सोचता है किसी ने कर दी हमारे ऊपर। ऐसे ही तंत्र विद्या नहीं लग जाती और ऐसे ही नहीं हो जाती है, इसीलिए परोपकार का कार्य करें। तंत्र का प्रयोग गलत कार्यों के लिए मत करो, अन्यथा फिर भोगना पड़ेगा। मनुष्य ईश्वर से अपनी मौत मांगता है, मृत्यु मांगता है, परंतु ईश्वर मृत्यु भी नहीं देता है। क्यों? कि मृत्यु दे देगा तो तुम भोगोगे कैसे, तुम्हारी आत्मा को कष्ट कैसे होगा, तुम्हारे शरीर को कष्ट कैसे होगा, जो कष्ट तुम दूसरों को देकर के आए हो वो कष्ट खुद भी तो भोगो पहले। तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये हम बासी जीवन जीते हैं, पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, और उसकी बैलेंस शीट, उसकी तराजू ईश्वर बनाता है कि तुम पिछले जन्म में कितने पुण्यवान थे, पिछले जन्म में कितने पापी थे, कितनों के साथ धोखा करके आया, कितनों की जमीन जायदाद को खा करके आए, कितने का तुमने हिस्सा बाटी के अंदर अपने अधिकार में कर लिया धोखा दे करके, अपने प्रभाव से, अपने बल से। तो आज हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जो जन्म जात तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनके ऊपर वो तंत्र बाधा बढ़ती जा रही है। पागलपन की अवस्था में घर के अंदर बैठे हुए हैं, पढ़ लिख गए हैं, परंतु सर्विस नहीं कर सकते, दुकानदारी नहीं कर सकते, किसी दूसरों के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों को तो भोगना है। गंदे सपने भी आते हैं, सपनों में कई बार बिस्तर पर ही गंदगी निकल जाती है, अंधेरे से डर लगने लगता है। तो इस प्रकार की ये जो घटना मैंने आपको सुनाई, तंत्र के लक्षण सुनाए, तंत्र क्यों लगता है ये भी आपको बता दिया, गंदी बदबू क्यों आती है ये भी मैंने आपको बोल दिया, और कई बार अदृश्य शक्तियां पलंग से उठा उठा करके भी गिरा देती है, बिस्तर पर से उठा उठा के गिरा देती है। तो
मनुष्य को यदि इन चीजों से बचना हो तो सर्वप्रथम जन्म पत्रिका चेक करवाओ। जन्म पत्रिका से पता लगता है कि मनुष्य कितना पापी है और उसे इस पाप का फल भोगना पड़ता है। तो देखो कितने पापी हो। काल सब दोष है तो पापी हो, नाग दोष है तो पापी हो, यानी बच्चों की हत्या करके आए हो इसलिए इस जन्म में बच्चे पैदा नहीं होंगे, या होंगे तो लड़कियां ही लड़कियां होगी, लड़का नहीं होगा। प्रेत दोष होता है, पिछले जन्म में हत्या करके आ गए हैं। तो काल सब दोष होता है, नाग दोष होता है, प्रेत दोष होता है, पितृ दोष हो जाता है, विष दोष हो जाता है। पिछले जन्म में किसी ने किसी को जहर खिला के आए हो तो इस जन्म में तुम्हें भी पूरी जिंदगी भर जहर पीना पड़ेगा, इसे विष दोष बोलते हैं। द्वंद्व योग होता है, एक दूसरे के शत्रु हो जाते, भाई भाई के शत्रु हो जाते, पड़ोसी के शत्रु, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये द्वंद्व योग कहलाता है। मंगल शनि एक साथ बैठ गया तो समझो पिछले जन्म में कई मनुष्यों को आपस में लड़वा करके आए हो, कई मनुष्यों से लड़े हो, तो इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लो, बच्चों की जन्म पत्रिका चेक करा लो, पत्नी की चेक करा लो, पति की चेक करा लो, परिवार के सदस्य की चेक करा लो कि वो कितना पापी है और उस पाप का उसे क्या फल मिलेगा, क्या पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो आते हैं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, परंतु जिंदगी में जितना पैसा कमाते एक झटके में चला जाता है, क्या मालूम क्या हो जाता है, घर के अंदर क्लेश दुख अशांति हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति किसी न किसी जालसाज के झांसे में फंस करके दरिद्री हो जाते हैं और फिर आत्महत्या करने की इच्छा होती है। ये भी पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है, क्योंकि पिछले जन्म में जिसकी संपत्ति तुम लूट करके आए हो अपने दम पर, वो इस जन्म में पैदा होकर के तुम्हारे साथ भी मैं ब्याज के वो पैसा वसूलता है। तो उसे दुख मत कहो, ये समझो कि पिछले जन्म का एक पाप कर्म कट गया। परंतु व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेता है, वो और उससे ज्यादा पाप कर्म होता है। आत्महत्या करना अक्षम्य अपराध है, उसका भी फल भोगना पड़ता है। यदि आपने किसी लड़की किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती करी, जबरदस्ती उठा लाए, जबरदस्ती विवाह कर लिया, अपनी ताकत के बल पर, अपने घमंड के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, तो वो भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है, भोगना पड़ेगा। तो इस जन्म में भी आपके साथ मैं ब्याज के उससे बड़ी घटना घटित होती है। तो ये सब चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप इस जन्म में कम से कम यह ज्ञान तो अवश्य ले लें कि अपने बच्चों की जन्म पत्रिका चेक कराकर पता कर लें कि कौन सा पापी है, लड़का लड़की कितना पुण्यवान है, कितना दानवान है, कितना पापी है, ताकि उसका प्रायश्चित कर्मा करवा सके और अपने बच्चों को अपनी आंखों से सुखी देख सके। जन्म पत्रिका चेक करवाने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। और यदि किसी के ऊपर इस प्रकार की जो हमने कही है, बचपन से ही तंत्र विद्या लगी हुई हो, जीवन में संघर्ष हो रहा हो और एक के बाद एक के बाद एक दोष जन्म पत्रिका में यदि हो, या जीवन के अंदर सुख नहीं हो, जीवन में सांप के सपने आते हो, जीवन के अंदर अर्थी नजर आती हो, स्वप्न के अंदर पितृ दिखाई देते हो, तो समझो आपको जीवन में संघर्ष करना ही करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
मेरी बात का यदि किसी के दिल दिमाग पर ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं, परंतु आप लोगों को जागरूक करना मेरा धर्म है कि आप सुखी रह सके। किसी पर इल्जाम लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि हम कितने पापी हैं। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले चार उंगली हमारे ऊपर उठती है। तो पहले हम अपना मूल्यांकन करें कि हमने जन्म लिया है तो हमारी जो जन्म की किताब है, विधि का विधान, उसमें कितने कष्ट लिखे हुए हैं और कितने पुण्य लिखे हुए हैं, कितने सुख लिखा है, कितना दुख लिखा हुआ है, वह हम पहले जान लें। जय माता दी, जय मां का मक्खिया। आज जिस भी व्यक्ति को कोई सी भी किताब खरीदना हो, वह किताब, कोई सी भी किताब खरीदना हो, केवल 1100 रुपए में दी जाएगी और उसका कोड नंबर है रविवार 11 जून दोपहर 3 बजे। ये आपको कोड नंबर लिखना होगा। तो जो किताब आपको चाहिए वह किताब 1100 रुपए में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। हमारे द्वारा 20 किताबें देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है, उनमें से कोई सी भी किताब आप ले सकते हैं। केवल यह स्कीम 2 दिन के लिए चलाई जा रही है, केवल 2 दिन। तो मैं कोड नंबर एक बार और बोल देता हूं, रविवार 11 जून दोपहर 3 बजे 2 दिन के लिए यह विशेष स्कीम का कोड है, जिसमें कोई सी भी किताब आपको केवल 1100 रुपए में दी जाएगी। जय माता दी, जय मां का मक्खिया।